राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर टीचर लीग प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। खेला गया क्रिकेट मैच, 10 दिसंबर को खेला जाएगा फाइनल मैच। एमएसआई इंटर कॉलेज में छात्रों के द्वारा लगाई गई मंडल स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी। छात्रों ने प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया अपनी प्रतिभा। जनपद में 25 व 26 नवंबर को बीएलओ द्वारा लगाया जाएगा मतदाता कैंप। 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले नागरिक बन सकते हैं मतदाता। बीएलओ के माध्यम से करें आवेदन। बेलीपार थाना क्षेत्र में भगुआपार के मुंजेश्वरनाथ मंदिर में हुआ दीपोत्सव। मुंजेश्वरनाथ धाम के शिव सरोवर की सीढ़ियों पर गोधूली वेला में जले हजारों दीप। शंख ध्वनियों व वैदिक मंत्रों की गूंज से पूरा वातावरण हुआ भक्तिमय। गोरखपुर में ड्रोन पॉलिसी को लेकर एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने की प्रेस वार्ता। कहा, जिले में 3 जोन का किया गया निर्धारण। रेड जोन में ड्रोन उड़ाने पर रहेगी पाबंदी। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में सिख समाज के लोगों ने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटा शंकर से निकाली भव्य शोभा यात्रा। गुरुवाणी पाठ, संकीर्तन और जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के गगनभेदी जयघोष से भक्तिमय हुआ माहौल। गोरखपुर के थाना बांस गांव में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप का मामला आया सामने। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर स्थित आंवला पेड़ के नीचे प्रसाद किया ग्रहण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में जनपद की 175 करोड़ की 116 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। खोराबार टाउनशिप योजना के 6 लाभार्थियों को सौंपा प्रमाण पत्र। कहा, कोई भी नागरिक नहीं रहेगा आवासविहीन, सरकार का है प्रयास।